प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इसके बारे में मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा। मेजर ध्यानचंद, आपने नाम तो सुना होगा, अगर नहीं सुना तो गूगल जाकर सर्च कीजिएगा, आपको मिलेगा कि ही इज कॉल्ड द मैजिशियन ऑफ हॉकी, हॉकी का जादूगर इसे कहा जाता था। और 1928 के अंदर इसने पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल हासिल किया। जब आप लोग दूसरी दफ़ा 4 साल बाद 1932 के अंदर दोबारा ओलंपिक गेम हुआ तो ये दोबारा गोल्ड मेडलिस्ट था। जब तीसरी मरतबा 1936 दोबारा 4 साल बाद आया तो फिर दोबारा आपको यही 3 दफ़ा हैट्रिक करता मिलेगा। और ये क्या कमाल था जिसकी वजह से ये 3 बार जो गोल्ड मेडलिस्ट जो मसलसल यही टीम होती रही और उसमें सिर्फ एक ही चीज़ थी, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। कैसे, कहा जाता है कि जब ये प्रैक्टिस करता था तो ये जो रेल की पटरी है उसके ऊपर गेंद को खेलता था और गेंद को गिरने नहीं देता था। और इसका गेंद के साथ ऐसा चिपकाव था, ऐसा चिपकना था कि दूसरी टीमों को ऐसे लगता था जैसे इसने हॉकी के अंदर कोई ना कोई मैग्नेट, कोई ना कोई चीज़ ऐसी लगाई है जिसकी वजह से इसकी बॉल नीचे नहीं गिरती है। 1936 के अंदर जब हिटलर ने देखा कि मेरी टीम 1-16 से यानी कि 16 गोल ये इसकी टीम ने किए और 1 गोल जर्मनी की जो टॉप ऑफ द लिस्ट उस वक्त टीम थी, तो उन्होंने देखा कि ये जो मेजर ध्यानचंद है ये क्या करता है गेंद के साथ। तो वहाँ पर इसकी हॉकी को चेक किया गया, उसको तोड़ा गया, तोड़कर चेक किया गया क्या इसके अंदर कोई मैग्नेट तो नहीं लगा जिसकी वजह से वो बॉल नीचे गिरता ही नहीं है। लेकिन जब उसको चेक किया गया तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। हिटलर ने उसे पूछा कि क्या तुझे हॉकी खेलने के अलावा कोई और काम है, कोई और काम तू करता है? तो कहता है मैं आर्मी के अंदर एक सिपाही की जॉब मैं करता हूँ। तो हिटलर ने उसे कहा कि अगर तुझे तेरे मुल्क ने क्या दिया है तो तू जर्मनी के अंदर ही आ जा, तुझे बेहतरीन पोस्ट भी दूंगा और इसके साथ खेल। तो आपको पता है कि मेजर ध्यानचंद ने वहां पे क्या कहा था? उसने कहा था कि मुल्क आदमी को कुछ नहीं देता, मुल्क आदमी को आगे नहीं लेके जाता, लेकिन आदमी है जो मुल्क को आगे लेके जाता है। तो इसलिए मैं ही आगे आऊंगा जो मुल्क को आगे लेके चलूंगा। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सो प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस।